सिवनी में भी भाजपा ने बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले के विरोध में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। भाजपा ने टीएमसी गुंडों द्वारा बंगाल में जीत के बाद हिंसक प्रदर्शन पर रोष व्यक्त किया। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में जब से टीएमसी की जीत हुई है तब से टीएमसी के गुंडों ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले शुरू कर दिए हैं। कई घर जला दिए गए, भाजपा महिला कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया गया। इस दौरान कई हत्याएं की गई, जिसको देखते हुए भाजपा ने केंद्र से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के गुंडों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या और भारतीय जनता पार्टी की बहनों के साथ बलात्कार जैसी घटना की गई है। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी मंडल आधे गांव के द्वारा सांकेतिक एक घंटे का धरना प्रदर्शन गंजवाड़ रंगमंच पर किया गया है और यह सांकेतिक है। अगर इसके बाद भी ममता सरकार अपने कार्यकर्ताओं में सुधार नहीं लाती तो यह उग्र आंदोलन होगा। आज राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम भारतीय जनता पार्टी द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।